हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होपफुली सब मजे में होंगे। आप अभी तक वेट कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स की वीडियोस का, कोई बात नहीं। अभी आज हमारे एक और डिमांड आई थी हमारे चैनल पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आप सभी के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो अभी मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को। अब इसको समझो, आज हम देखेंगे इसका मेन सॉल्यूशन और समझेंगे अच्छे से क्वेश्चन को करना कैसे है। अगर आप अभी अगर चैनल पर नए हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लेना। टेलीग्राम पे मैंने टेलीग्राम पे सारे के सारे नोट, बिजनेस स्टडीज के हो या अकाउंट्स के हो, मेरे हैंड रिटन पर्सनल नोट्स आप सभी को मिल जाएंगे। तो जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, और हमारा फेसबुक की आईडी है, उसको भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। तो बाकी आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे तीन पार्टनर हैं, एक है पी, दूसरा है क्यू, फिर है आर, ठीक है। ये तीन पार्टनर के बीच हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है, देखो कितना कितना, बाय प्रॉफिट, ठीक है, बाय प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,17,000 हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको बांटना है, तो किसके बीच, पी के बीच, क्यू के बीच और आर के बीच, ठीक है। तीन पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बांटना ही हमें, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट है, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट, डी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, पी सॉरी पी का, क्यू का और आर का। तो इनका दिया हुआ था रेशियो 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 में हम प्रॉफिट बांटेंगे। देखो इनका कैपिटल दिया हुआ है, चलो यहां से मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, 4 लाख, एक का है 3 लाख और एक का है 2 लाख, ये दिया हुआ है इनका कैपिटल। अब इस पर हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% आप चार्ज करोगे इन सभी पे। बट यहाँ पे हमारा एक स्पेसिफिक केस दिया हुआ है, जो कि मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि देखो, बिजनेस हमारा जितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, उतने टाइम पीरियड तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस जितने महीने के लिए चला, ठीक है, उतने ही टाइम पीरियड तक आप चार्ज करोगे, अपने मन मर्जी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर सकते। मान लो कि अगर आप स्टार्ट करते हो बिजनेस 1 जनवरी से, ठीक है, आपने चलाया 1 सितंबर तक, ठीक है, आपने साल भर पूरा यूज नहीं किया, 31 दिसंबर तक हमारा बिजनेस नहीं चला, बंद हो गया, किसी रीजन से बंद हो गया, तो क्या आप साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे? क्यों लगाओगे? हमारा बिजनेस चला ही नहीं तो लगाओगे क्यों? जितने महीने चला उतने महीने तक ही लगेगा। तो यहां पे बिजनेस हमारा 1 जुलाई तक ही था, सॉरी स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई, ठीक है। तो यहां हमारा कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स हमारा सब में लगेगा, 9 by 12, 9 by 12 and 9 by 12, ठीक है। परसेंटेज हमारा 12% पे, तो 12% के हिसाब से निकाल दोगे 12 by 100, ठीक है। अब देखो ये 12 से ये 12 कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल, ये 12 से ये 12 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे बस इनटू करते चले जाओ, दो दो जीरो हटा के कितना आ गया 36, दो जीरो से दो जीरो हटा दिया हमने 36,000, इसको इनटू कर लो 27,000, अब इसको कर लो 18,000, तो ये कितना आ गया 36,000, 27,000, 18,000, ठीक है, तो ये आ गया। तो इसको ऐड कर लोगे तो कितना आ रहा है हमारा 81,000 आया। अब इस 81,000 को क्या करोगे, 1,17,000 जो गिवेन है हमें, हमारे जो प्रॉफिट गिवेन है उससे माइनस कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारा आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट हमें अब इस तरीके से निकालना होगा, देखो इससे माइनस कर लोगे 81,000 तो कितना आएगा, अप्रॉक्स कितना आ रहा है 36,000 आ रहा है, ठीक है। इस 36,000 को बांट लेंगे हम 3:2:1 में, चलो यहाँ 36,000 दिया हुआ है, तो 36,000 को चलो अपना पुराना वाला ट्रिक लगाएंगे जैसे हम करते आए हैं। देखो यहाँ पे हमारा 3:2:1 दिया हुआ है, इसका मतलब है 3, 4, 5, 6, 1/6, ठीक है, 1/6 निकाल लेंगे तो कितना आ गया इनका 6,000, इंटू टू कर दो 12,000, इंटू थ्री कर दो 18,000। तो ये देखो हमारा आसानी से निकाल लिया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट भी। यहाँ मेरा समझाने का एक ही मोटिव था आप सभी को कि देखो सीधी सी बात है, इतना समझ के चलना कि हमारा बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि आप साल भर यूज कर रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है
साल भर के अंदर ही अंदर हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर चाहे जो आप चार्ज कर रहे हो वो जितने महीने के लिए आपका बिजनेस चला उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। वो 9 मंथ्स हो या 12 मंथ्स हो या आपको मुझे तो साल भर हो गया या 3 मंथ्स हो, जितने महीने आपका 6 मंथ हो गया, जितने भी टाइम पीरियड तक चला उतना ही चार्ज करोगे, एक्स्ट्रा चार्ज करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम टाइम पीरियड के हिसाब से इसमें काम करते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 12 की, बहुत पुरानी वीडियो थी आप सभी के लिए, चलो मैंने बना दिया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।